साथ में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रपति को समर्थन की चिट्ठी देने के लिए पहुंच रहे हैं। नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी और नरेंद्र मोदी भी। समर्थन की चिट्ठी से यह साफ हो जाएगा कि इस बार देश में एनडीए की सरकार बन रही है और इन सब घटक दलों के समर्थन के साथ ही सरकार बन रही है, यानी कि वो जो नंबर्स चाहिए, 272 का जो आंकड़ा चाहिए वो एनडीए के पास में है, बीजेपी के पास में है। बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही सरकार बना रही है। ये उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले थे, अपना इस्तीफा सौंपा था और राष्ट्रपति ने कहा था कि नई सरकार बनने तक आप अपना कार्यभार जो है वो संभाले रखिए। और आज जो खबर मिल रही है वो ये कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन साथ में होंगे नीतीश कुमार, साथ में होंगे चंद्रबाबू नायडू, चूंकि नंबर्स बड़े हैं इनके पास में और इन्हीं को लेकर चर्चाएं पिछले दिनों बहुत ज्यादा रही। लेकिन अब जब साफ हो चुका है बयानों से भी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ में ही जा रहे हैं, तो आज इन दोनों के साथ में ही जो समर्थन पत्र है, यानी कि वो जो नंबर्स साबित करने हैं सरकार बनाने के लिए, वो सफिशिएंट नंबर हमारे पास हैं, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी समर्थन पत्र सौंपने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे। दिल्ली में आज बैठकों का दौर भी खूब चलने वाला है। एनडीए के सहयोगियों की भी आज बैठक है। जेडीयू सांसदों की मीटिंग जारी है, जो खबर मिल रही है अपने सांसदों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार। और जाहिर सी बात है जब सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं उन बड़े नंबर्स के साथ में, तो नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि जब एनडीए की सरकार बन रही है, जब बीजेपी को सहयोग करने वाले अलग अलग जो सहयोगी दल हैं उनके हिस्से क्या आएगा, उन्हें क्या मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, ये क्या तय हो गया है, या फिर इसको लेकर क्या कोई डिमांड सामने रखी जा रही है या रखी जानी चाहिए, ऐसी तमाम बातें हैं जिनको लेकर मंथन अभी हो रहा है अलग अलग दलों के जरिए, जिसमें नीतीश कुमार भी आज अपने सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ खबर ऐसी भी है कि चिराग पासवान भी अपने सांसदों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई। आरजू, एक तरफ तो संसदीय दल की बैठक होनी है, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना जाना है जो अभी तक का अपडेट है, दूसरी तरफ बीजेपी के वो सभी सहयोगी दल जो एनडीए का हिस्सा हैं वो भी अपने अपने सांसदों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, क्या इस स्ट्रैटेजी को लेकर कि क्या चाहिए, कौन सा विभाग चाहिए, कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा? बिल्कुल, देखिए संसदीय दल की बैठक से पहले एनडीए के जितने भी जो एलाइज है वो अपनी अपनी मीटिंग जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त हम से कामराज लेन पर मौजूद है जहां पे नीतीश कुमार का आवास है और यहां पर भी जो बैठक है वो चल रही है। इस वक्त रामप्रीत मंडल की बात करें, अधिवेशन ठाकुर जो एमपी है सीतामढ़ी से, वो भी यहां पर पहुंचे हुए, तमाम सांसद 12 विनिंग सांसद जो है वो यहां पर पहुंचे हुए। इसी के साथ ही सीनियर लीडर जो है जेडीयू के आनंद मोहन, उनके अलावा और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। खासतौर पर विशेष दर्जा जो है बिहार को देने की ये बात लगातार वो लोग कहते हुए आए हैं और इस बार भी वही डिमांड जो है कहीं ना कहीं रखती जाएगी, ये बात जो है जेडीयू के लीडर जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ ही आखिर कौन सा मंत्रालय वो चाहेंगे, जो तरीके से सोर्सेज हमें बता रहे हैं रेल मंत्रालय की मांग जो है वो सामने रखते हुए जेडीयू के लीडर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर पार्लियामेंट्री मीटिंग से पहले इस तरीके से जो मीटिंग यहाँ पर नीतीश कुमार क्या चल रही है, साफ तौर पर यहाँ पर डिस्कशन जो है वो कहीं ना कहीं रणनीति को लेकर कि जीडीपी रणनीति क्या होगी उस पे चर्चा जो है वो चल रही है। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया है जब यहाँ पर मीटिंग जो है वो चल रही है। सभी राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, इसी के साथ ही लोकसभा सांसद जो नए सांसद बने हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम चर्चाएं जो है मंत्रालय को लेकर क्या कुछ डिमांड जो है वो रखेंगे इन सब पे चर्चा। कई ऐसे सांसदों के रिएक्शन सामने आए हैं जब उनसे पूछा गया कि बिहार के लिए आपको चाहिए क्या, क्या स्पेशल स्टेटस का दर्जा आपको नहीं चाहिए, तो सांसदों ने दबी जुबान में ही सही कहा ये कि हाँ हम बिल्कुल चाहते हैं बिहार की बेहतरी हो, विकास हो और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा हम चाहते हैं, इसको लेकर भी बात हो सकती है। यानी कि एनडीए की सरकार बन रही है, जेडीयू की एक बड़ी भूमिका इसमें है, ऐसे में हो सकता है ये भी एक शर्त हो। आरजू, बिल्कुल, देखिए कई सारी डिमांड्स के साथ जो है वो जेडीयू आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जब भूमिका आपकी बढ़ जाती है तो आपकी ख्वाहिशें भी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। साफ तौर पर नीतीश कुमार भी जानते हैं कि इस वक्त उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है,
भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और इसीलिए रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है कि आखिर क्या कुछ डिमांड जो है वो आगे रखेंगे, चाहे मंत्रालय की बात हो, क्योंकि लगातार चल रहा है कि रेल मंत्रालय जो कि सबसे बड़ा मंत्रालय माना जाता है उसकी डिमांड जो है वो रख सकते हैं। इसी के साथ ही विशेष दर्जा जो है, स्पेशल स्टेटस जो है बिहार को दिलवाने की बात जो है वो भी नीतीश कुमार और उनके जो साथी वो रख सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल अभी की बात करें तो सांसद जो है वो अंदर मौजूद है, मीटिंग अंदर चल रही है। जब वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों से जब आनंद मोहन बाहर निकले तो हमने भी कहीं ना कहीं उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था पार्टी की तरफ से ये चीजें रखी जा रही है। फिलहाल खुलकर सामने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि विशेष दर्जा जो है वो बिहार को मिले। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर मीटिंग से क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ डिमांड जो है वो जेडीयू के लीडर रखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग ये भी है कि बिहार चाहता है स्पेशल स्टेटस का दर्जा, नीतीश कुमार के पास अच्छे नंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो सांसद हैं जीते हुए उन्हें बेहतर विभाग मिले, बड़े मंत्रालय मिले। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग ये भी है टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू जो कि समर्थन कर रहे हैं एनडीए सरकार का, उनमें जो टीडीपी नेता हैं के रविंद्र कुमार, उनसे जब पूछा गया कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण क्या जारी रहेगा, तो उन्होंने कहा हाँ हम इसे जारी रखेंगे और इसमें किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। जबकि चुनावी मंच से प्रमोट करते हुए नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा था कि जब तक मोदी जिंदा है मुस्लिम आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर तो आरक्षण में कतई नहीं दूंगा। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं जो अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक साथ है तो यहाँ एनडीए में भी कुछ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी संसदीय दल की मीटिंग आज होनी है और सभी मिलकर नरेंद्र मोदी को नेता चुनने वाले हैं। आगे जो अपडेट होगा आरजू आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, अभी के लिए आपका शुक्रिया। चूंकि जेडीयू की मीटिंग को लेकर आरजू ने अपडेट दिया, दिल्ली में ही आज एलजेपी की भी मीटिंग होनी है जहां पर संसदीय दल की